हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आज के दिन अभी यहाँ पे 10% की हम लोगों को तेजी दिखा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए एज अ बायर? सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, आज 10% भाग गया, पूरा शेयर भाग जाएगा, क्या क्या होगा, हमारा पूरा प्रॉफिट चला गया, या फिर हम लोग किस पोजिशन पे इसमें जाके एंट्री ले सकते हैं। तो टेक्निकली एज अ बायर एंड सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को एनालाइज करेंगे और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो शेयर है पिछले 3 दिनों से यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है और अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 72.5 से लेके लगभग लगभग इसने 84.5 का यहाँ पे टारगेट दे दिया है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं तो 16 से 20% का रिटर्न पिछले 3 दिनों में हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग और चीज़ें यहाँ पे नोटिस करेंगे कि बहुत दिनों से ये शेयर यहाँ पे इसके नीचे फंसा हुआ था। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाई कर रखा होगा या फिर जिन लोगों ने इन लेवल पे बाई करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होगी, वो लोग अभी थोड़ा सा डर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से एक बार सेलिंग प्रेशर आ चुका था, फिर से उसी के लाइन के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा उनके पास डर हो, इसकी वजह से ही यहाँ पे ये शेयर हॉल्ट करने वाला है। अगर डर नहीं होता तो हॉल्ट नहीं कर पाता। देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन कहीं पे ऐसे ऊपर बन रही होती तो हो सकता था कि आज ही ये 15 से 20% निकल जाए, लेकिन ट्रेंड लाइन के जस्ट पास में है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा सेलर के बायर्स के अंदर भी डर होगा और जहाँ बायर्स डरते हैं वहीं पे यहाँ पे सेलर्स पैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों को किस तरीके से इसमें स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ और यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने वाला है। क्योंकि ये देखेंगे, ये लगभग लगभग 2019 में आके इसको पहली बार यहाँ पे इसको टच किया था, उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और सातवीं बार ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का चांस है यहाँ पे। किसका? मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और ये हम सभी को नहीं, सारे बायर्स को, सबके लिस्ट में ये सबके रेडार पे होगा, क्योंकि आज 10% भागा है तो सबके रेडार पे आ गया होगा। सारे चैनल वाले अभी यहाँ पे इसका इसके बारे में न्यूज़ देना स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन एज अ बायर और हम यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं तो हमें किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए इस बात का हमें खास ध्यान देना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट टाइम देखेंगे बायर्स को प्राइस ये पसंद आ रहा था और यहाँ से बाई करके ऊपर लेके गए थे, तो मान लेते हैं बहुत ही अच्छा खासा इन लोगों ने प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो फ्रेश सेलर्स, सॉरी, जो फ्रेश बायर्स आए, ये इस शेयर को ऊपर लेके जा नहीं पाए और यहाँ पे 92 से ही क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया। और इसके बाद ये एक एक्यूमुलेशन जोन बनाने के बाद देखेंगे यहाँ पे 1:1 हम लोगों को नीचे की ओर दे दिया, राइट। एज एक्यूमुलेशन जोन इसी तरीके से काम करता है, हम सभी को पता है। फिर से यहाँ आने के बाद एक नया एक्यूमुलेशन जोन बना और अभी इस फिलहाल आज के दिन ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 80 का, इसको इसने ब्रेक कर दिया और अभी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। तो एज अ बायर, एज अ स्विंग ट्रेडर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक स्विंग चाहिए, राइट, मुझे एक स्विंग चाहिए जहां पे मैं अपना एसएल रख सकूं और ताकि उसी एसएल के हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा। और यहां पे एसएल रहेगा तो मैं सेफ रहूंगा, एटलीस्ट मैं रात को जाके आराम से सो सकता हूं। बिकॉज मान लेते हैं कल अगर मैं एसएल नहीं लगाता हूं और 2-3 दिन बाद ये रिटर्न आ जाता है तो मैं कहां पे एसएल लगाऊंगा? यहां पे लगाऊंगा तो ये रिस्क कितना ज़्यादा हो जाएगा, समझिए। यहां पे 72 के आसपास है ये और यहां पे 84 का है तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए टेक्निकली भी अगर देखेंगे 2-3 दिन में बहुत अच्छा रैली कर दिया है तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल हम लोगों को ये दे सकता है। मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिन रैली करने के बाद ये जो कैंडल बना था एक छोटा सा, ऐसा कैंडल या फिर एक दो निगेटिव कैंडल अगर एक दो दिन होल्ड करके अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और हमें लगता है फिर ये आराम से 96 से लेके 100 के बीच में ये जाएगा। बिकॉज ये जो लेवल है देखेंगे, ये सारे लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, ऑलरेडी 2-4 बार ये टेस्ट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा ये टाइम स्पेंड नहीं करेगा, बायर्स ने इन लेवल को ब्रेक करने की ऑलरेडी बहुत बार कोशिश की है। मतलब बायर्स इस प्राइस को ब्रेक तो करना चाहते हैं लेकिन ये बार बार यहाँ पे किसी वजह से नीचे चला जाता होगा, सेलर सेल कर देते थे। लेकिन अगर यहाँ पे 2-4 दिन यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करता है तो एज अ बायर हमारे पास क्या होगा, फ्रेश बाइंग 81 का लेवल होगा। ठीक है, पिछली बार फ्रेश बाइंग बहुत नीचे था, इस बार अगर यहाँ पे एक दो दिन यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो फ्रेश बाइंग बहुत से बायर्स के लिए 89 का होगा और ये फिर 100 के आसपास, 96 के आसपास जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आज के दिन यहाँ पे मुझे एक दो नेगेटिव कैंडल मिल जाता है ना, उसके बाद ये जो 85 का लेवल है इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम लोग बाई करने के बारे में सोच सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। देखिए, यहाँ पे बहुत ढेर सारे शेयर्स हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे शेयर्स हैं तो हमें
उन्हीं शेयर्स में ट्रेड करना चाहिए जहां पे हमारा रिस्क, जहां पे हमारा एसएल अलाउ कर रहा हो हमें। यहाँ पे एसएल बहुत नीचे है। चलिए, अगर बहुत लोगों को ये शेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो हम क्या यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आज के हाई पे यहाँ पे लगाइए, ठीक है, एक मार्क करके रख लीजिए। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हमें क्या करना है, जनरली आप 1,000 का अगर मान लेते हैं, रिस्क लेते हैं, तो यहाँ पे जाके 100 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे कैसे रिस्क लेंगे, ये जो कैंडल आज का अभी बन रहा है, मान लेते हैं कल के दिन मार्केट यहीं ओपन हुआ और इसका हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये जो कैंडल है इसका 50% या फिर बोल सकते हैं ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे कहीं पे आप क्या कर सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं, या फिर इस कैंडल के 50% के नीचे आप एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। जनरली मैं ये करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत लोगों को ये बहुत ही अच्छा शेयर हो सकता है लग रहा हो, तो यहाँ पे वो इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से प्लानिंग करिए। मेरी जो प्लानिंग है मैंने आपको बता रखी है, यहाँ पे एक दो कैंडल इनसाइड बनता बनेगा, उसके बाद यहाँ पे एक तरीके का क्या होता है, 15-20 मिनट पे देखेंगे तो वो एक्युमुलेशन जोन होता है बायर्स का। बायर्स आके यहाँ पे अच्छा खासा रैली दिए, यहाँ पे हॉल्ट किए, फिर से रैली कंटिन्यू हुई, और ये पहला हॉल्ट होगा तो ये ऐसा लगभग 2-4 हॉल्ट मिल जाता है पूरे रैली में, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग आता है, ये जो यहाँ ट्रेंड लाइन बनेगा वो ब्रेक डाउन होगा, तो उस समय हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल ये पहली रैली होगी तो यहाँ पे क्या होगा, हम वेट करके अपनी पोजीशन बनाएंगे, ऐसा लगाएंगे, और जब भी ये बात मानिए, जब भी ये ब्रेकआउट दे रहा होगा, ठीक है, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं सारे जितनी भी यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ उनको मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में लगा के रखता हूँ, और जब भी ब्रेकआउट देते हैं तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि और ब्रेकआउट हो रहा है, ताकि वीडियो तो आप लोग, मुझे पता है बहुत लोग बाद में देखेंगे, बहुत लोग नहीं देखेंगे, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यस ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप पहले से इसको एनालाइज करके रखिए, जब ब्रेकआउट होगा तो पता तो चल ही जाएगा, एंड आप पोजिशन बना के अच्छा पैसा हम लोग यहाँ से साथ में कमा सकते हैं, ठीक है। हम लोग सबको, पूरी हमारी जो फैमिली है ट्रेडर की, हम लोगों को साथ में यहाँ पे पैसा बनाना है। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।